नमस्कार दोस्तों, मैं नवनीत त्यागी। आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं इन्फॉर्मेशन पिटारा, जिसमें भारत के गांव सीरीज के अंतर्गत हम आपको लेकर आए हैं सोंदा विलेज में। यहां सोंदा विलेज के एंट्री पॉइंट पर हम खड़े हुए हैं अभी, जहां से सोंदा विलेज के अंदर एंटर करते हैं वहां का लोकेशन पॉइंट हम दिखा रहे हैं। कनेक्टिविटी की पार्ट को मैं आपको एक बार कंफर्म करा देता हूँ। ये जो गाँव है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर मोदीनगर तहसील में ये गांव लगता है। काफी बड़ा गांव है। इसके लोग स्टार्टिंग पॉइंट पर जो मेन पहचान है वो है अपर गंगा कैनाल, जिसको मैं दिखा देता हूँ। मेरे राइट हैंड साइड पे आप देख रहे हैं अपर गंगा कैनाल, जो कि हरिद्वार से सीधे आती है गंगा से। तो ये एक इसका जो जल है वो सीधे गंगा से प्रवाहित होकर आता है। अभी मैं अपने बाएं तरफ दिखाऊंगा जो ये गंगा के अपर गंगा कैनाल है, जो दिल्ली की तरफ ये निकलती है। यहाँ पे बीच में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी इस पे लगा हुआ है, जिसके लिए दिल्ली के लिए पेयजल की उपलब्धि कराई जाती है। इसके अलावा जो इन्फॉर्मेशन है इस गांव के बारे में, तहसील मैंने आपको बताया मोदीनगर के अंदर आती है। इसका जो पोस्ट ऑफिस है मेन पोस्ट ऑफिस सोंदा ही है, विलेज और पोस्ट ऑफिस दोनों। इसके अलावा जो पिन कोड है इसका 201204 इसका पिन कोड लगता है। रेलवे स्टेशन के रिगार्डिंग मैं कनेक्टिविटी आपको बता देता हूँ, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से गाँव पे रीच की जाएगी कहीं से भी। आप रेलवे स्टेशन, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इसका मोदीनगर है, जो कि यहां से करीब 5 किलोमीटर पड़ता है। इसके अलावा मुरादनगर रेलवे स्टेशन यहां से करीब 6 किलोमीटर पड़ता है। तो दोनों रेलवे स्टेशन से यहां की कनेक्टिविटी है। मेन पार्ट मैंने आपको दिखाया है, मेरे बैक साइड से फ्रंट साइड से जो रोड आती है वो अलग अलग गाँव को कनेक्ट करती है। यहाँ पे डिडोली गाँव, उजेड़ा गाँव, डबाना गाँव, इसके अलावा अलग अलग फिरोजपुर गाँव, बंदीपुर गाँव, ये अलग अलग जो नियर में लोकल के गांव हैं इनको कनेक्ट करती है। इसके जो यहाँ के एमएलए हैं, करंट एमएलए वो मंजू शिवाच जी हैं। इसके अलावा जो एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो मैं आपको बताना चाहूंगा डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी हैं। आगे की जानकारी के लिए हम आपको गांव में एंटर करा के फर्दर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप इस वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। अभी एंट्री पॉइंट पर हम आपको दिखा देते हैं सोंदा विलेज के सिक्योरिटी के लिए। यहाँ पर पुलिस चौकी डिस्ट्रिक्ट थाना है, यहां से हम एंटर करते हैं। ये जो सामने आप रोड देख रहे हैं अपर गंगा कैनाल रोड, मुरादनगर से आती है। मेरे राइट हैंड साइड से मुरादनगर, ये मुरादनगर की तरफ से इधर से आती है, निवाड़ी की तरफ ये इधर निकलती है। यहां से हमने एंटर किया विलेज के अंदर। ये मार्केट, लोकल मार्केट, सारी फैसिलिटी अवेलेबल। अभी आप देख रहे हैं सोंदा विलेज में हम आपको लेकर आए हैं मोदीनगर के तहसील के अंदर। सोंदा विलेज बहुत ही अच्छा डेवलप्ड विलेज है। यहाँ पर थाना, पुलिस चौकी, सारी फैसिलिटीज अवेलेबल है। इंटरनल व्यवस्था, हम आपको इंटरनल गांव का व्यू दे रहे हैं। मार्केट यहीं पर, सारी चीजें मार्केट में, किसी भी जरूरत का सामान आप यहां पे ले सकते हैं। पानी की टंकियां आप देख रहे हैं, ये ब्लॉक, सरकारी ब्लॉक पशुओं के लिए, यहां पर डॉक्टर और फैसिलिटी, ये पानी की टंकी, दुकानें, सामान की, जरूरी सामान की, एसेंशियल्स की शॉप्स। ये पूरा व्यूज सोंदा गांव। ये यहां पर स्कूल आप देख रहे हैं। व्यवस्थाओं के मामले में गांव बहुत ही आगे, अंबेडकर फैसिलिटी के अंदर ये गांव शुरू से आता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाल विद्यालय, भारत के विकास को दर्शाता हुआ ये बहुत ही अच्छा गांव। स्टैंडर्ड्स, जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है, मार्केट्स की वजह से, हर चीज की फैसिलिटी की वजह से बहुत अच्छा।
यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं बैंक एटीएम फैसिलिटी, सिंडिकेट बैंक, इंटरनल व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है, मार्केट बहुत अच्छा है, सारी जरूरत की सारी चीजें यहाँ पर उपलब्ध। गांव की कैटेगरी में, क्योंकि ये कई सारे गांवों को एक साथ जोड़ता है, अलग अलग यहाँ पर करीब 10 से 20 गांवों को एक साथ जोड़ता है। यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये कन्या इंटर कॉलेज, बहुत ही बड़ा कॉलेज है, काफी पुराना, कनोहर लाल ट्रस्ट के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, बहुत पुराना कॉलेज, यहाँ पर बहुत ही अच्छी फैसिलिटी। इधर आप देख रहे हैं डिग्री कॉलेज भी आ गया, चमेली देवी दुर्गा प्रसाद डिग्री कॉलेज आप देख रहे हैं। आगे निर्माणाधीन कॉलेज, ये बाउंड्री आप देख रहे हैं कनोहर लाल ट्रस्ट के द्वारा, ये निर्माणाधीन कॉलेज। यहाँ पर आप देख रहे हैं सौंदा विलेज के अंदर रिहायशी कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, लोगों का रुझान यहाँ पर रहने के लिए अच्छी सुविधाओं के होते हुए काफी ज्यादा रुझान लोगों का, यहाँ पर लोग आके अपना घर बना रहे हैं, यहाँ पे लोग बस रहे हैं, रेजिडेंस बना रहे हैं, क्योंकि मार्केट की फैसिलिटी जस्ट वॉक इन डिस्टेंस पे है, कुछ कदम चलते ही चीजों की उपलब्धि काफी अच्छी है। हम आउटर रोड से लेकर आए हैं, जैसे आपको सौंदा विलेज की दूसरी तरफ देखिए सड़क का निर्माण, यहाँ पर कोई ना कोई निर्माण हर वक्त चलता ही रहता है। गवर्नमेंट की फैसिलिटियां काफी अच्छी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अच्छी सड़कें, सड़कों की मरम्मत समय रहते हुए होती रहती है, जिससे गांव के जो स्थानीय लोग हैं वो काफी खुश, आसपास के लोग भी ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफी खुश हैं। ये देखिए गवर्नमेंट की तरफ से एक साथ कितनी चीजें यहाँ पर हैं, सभी सुविधाएं बस। तो जैसा कि हम आपको विलेज सौंदा के अंदर का इंटरनल स्ट्रक्चर और व्यू आपको दिखा रहे थे, किस तरीके की वहाँ पे फैसिलिटीज हैं, क्या लिविंग स्टैंडर्ड्स हैं, इसके अलावा यहाँ पर किसानों के लिए बहुत ही अच्छी सुविधाएं हैं, जैसा कि मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। मेरे बैक साइड में यहाँ पर सोसाइटी अवेलेबल है, आप देख रहे हैं ये कोऑपरेटिव सहकारी समिति, जहाँ पर किसानों के लिए खाद और डाई जैसी चीजें, दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं। इसके अलावा यहाँ पर बैठने के लिए भी काफी अच्छे इंतजाम हैं, यहाँ पर जो प्रधानमंत्री योजना है ग्राम प्रधान के द्वारा बैठने के लिए बेंचेस भी लगाए गए हैं। इसके अलावा मैं आपको अपने दूसरी तरफ दिखा देता हूँ, मेरे दूसरी तरफ आप देख रहे हैं नानक चंद जनता इंटर कॉलेज, जो कि बहुत ही पुराना ये कॉलेज है सौंदा विलेज के अंदर। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी स्टूडेंट्स हैं आसपास के, जितने भी गाँव हैं, बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं अलग अलग गाँवों से, यहाँ पे जो बच्चे पढ़ने आते हैं काफी दूर दूर के, कम से कम 10 से 20 गाँवों के बच्चे यहाँ पर पढ़ने आते हैं, तो बहुत ही अच्छा स्कूल, बड़ी फैसिलिटीज के साथ, स्कूल के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। तो दोस्तों जैसा कि हम सौंदा विलेज के अंदर बने हुए हैं, यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं ये बॉयज के लिए इंटर कॉलेज बना हुआ है, और इसके इतिहास के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो स्थापना है इस जो इंटर कॉलेज की स्थापना हुई थी 1952 में हुई थी, नानक चंद जी के द्वारा ये बनाया गया था। कहा जाता है कि नानक चंद जी जो थे उनके कोई बच्चा नहीं था, तो इस वजह से उनके मन में जो थी वो पूरे एरिए को उन्होंने एक तरीके से एक ऐसी फैसिलिटी, एक ऐसा संस्थान प्रोवाइड किया जहाँ पे हर किसी का बच्चा विद्या ले सके, तो उससे उनको सुकून मिलने वाला था, जिसके तहत उन्होंने यहाँ पे कॉलेज की स्थापना और निर्माण कराया, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड पे लिखा भी हुआ है, लगा भी हुआ है, ये 1952 में ये तैयार किया गया था, तब से यहाँ पर आसपास के सभी बच्चे आके पढ़ते हैं, अपना करियर बनाते हैं, और बहुत ही अच्छे अच्छे पोस्ट पे इवन अब्रॉड भी यहाँ से जो छात्र हैं आके निकले हैं अब्रॉड के लिए। डॉक्टर यहाँ पे, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, डॉक्टर भी, इंजीनियर भी, सब निकल चुके हैं। भैया तो दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप मेरे साथ बने हुए सौंदा विलेज के अंदर की जो पॉपुलेशन जनसंख्यिकी की स्टैट से वो मैं आपको एक बार ब्रीफ कर देता हूँ। यहाँ की जो कुल पॉपुलेशन है अब के अनुमानित तौर पर यहाँ की पॉपुलेशन करीब 6,500 है। अगर बात करते हैं पोलिंग की तो करीब 4,500 की पोलिंग के साथ ये गांव है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा इसका लिटरेसी लेवल यहाँ पे काफी अच्छा है, क्योंकि गर्ल्स के लिए भी कॉलेज है, बॉयज के लिए भी कॉलेज है, इवन डिग्री कॉलेज भी अवेलेबल है, तो यहाँ का काफी अच्छा लिटरेसी लेवल है। 85% यहाँ का लिटरेसी लेवल है एज इफ नाउ, जो कि वैरी कर सकता है।
डेटा कभी भी वेरी इसमें हो सकता है। इसके अलावा विलेज की हिस्ट्री काफी पुरानी है, विलेज करीब 500 से 700 साल पुराना विलेज की स्थापना है। त्यागी कम्युनिटी यहाँ पर रहती है, हिंदू त्यागी, तो त्यागियों का गांव ये माना जाता है। कनेक्टिविटी करता है मोदी नगर की तरफ से, निवाड़ी की तरफ से जो कि टाउन है, अगेन मोदी नगर तहसील है, दूसरी तरफ मुरादनगर छोटा हरिद्वार आता है, तो चारों तरफ से गांव की कनेक्टिविटी है, हर गांव इससे कनेक्ट होता है। इसी के साथ हम आपको आगे लेकर चलते हैं। तो दोस्तों जैसे कि हमने आज आपको दिखाया सोंदा विलेज जो कि मोदी नगर तहसील के अंदर आता है, इसकी सारी खासियत और इंफ्रास्ट्रक्चर और आपने इसमें कितना डेवलपमेंट है ये सारी चीजें देखी। इसके साथ हम आपसे विदा लेते हैं और एक नए गांव की यात्रा पर निकलते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। इन्फॉर्मेशन पिटारा के नाम से चैनल आप हमारा देख रहे हैं। नमस्कार, धन्यवाद।